हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डॉक्टर फॉस्टस, जिसको लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने। स्टार्टिंग होती है प्रोलॉग से, जो कि प्रेजेंट किया जाता है कोरस के थ्रू। ये हमें स्लाइट ओवरव्यू देता है प्ले के बारे में कि प्ले कैसा होने वाला है और उसका मेन कैरेक्टर या कि प्रोटैगनिस्ट कैसा होने वाला है। तो ये बताते हैं कि डॉक्टर फॉस्टस जो कि प्रोटैगनिस्ट है, ये कोई किंगली नहीं है, ये कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते, बल्कि ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिन्होंने काफ़ी सारी फील्ड मास्टर कर ली है क्योंकि इनका आईक्यू बहुत ज़्यादा है। लेकिन सून ही गॉट फिल्ड विद एरोगेंस एंड हेंस डूम्ड। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्राउड फील करने लग जाते हैं, इसीलिए इनका जो है ट्रैजिक फॉल हो जाता है। एक्ट वन में ये बताया गया है कि डॉक्टर फॉस्टस अपने अचीवमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं कि उन्होंने कितनी चीज़ें मास्टर कर ली हैं, लेकिन ये सारी फील्ड्स उन्हें कैप्टिवेटिंग नहीं लगती और इन सारी फील्ड्स की शॉर्ट कमिंग देखते हुए वो उन्हें डिसमिस करते हैं। पर जो मैजिक की फील्ड होती है, ये इन्हें ल्योर करती है, इन्हें बहुत कैप्टिवेटिंग और अट्रैक्टिंग लगती है। डॉक्टर फॉस्टस अपने दो फ्रेंड्स को इन्वाइट करते हैं जिनका नाम होता है वॉल्डेस एंड कॉर्नेलियस। ये दो ब्लैक मैजिशियंस हैं और डॉक्टर फॉस्टस इन्हें बुलाते हैं ताकि ये उनकी हेल्प करें मैजिक को सीखने में। तभी अ गुड एंजल और अ बैड एंजल डॉक्टर फॉस्टस को विजिट करते हैं। जो गुड एंजल है, वो डॉक्टर फॉस्टस की आंखें खोलने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं होता और मैजिक इज़ नॉट अ गुड थिंग, ईविल प्रैक्टिसेस हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो बैड एंजल होती है, वो डॉक्टर फॉस्टस को बोलती है कि जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। दो स्कॉलर्स होते हैं, वो डॉक्टर फॉस्टस को विजिट करते हैं, पर डॉक्टर फॉस्टस का जो सर्वेंट होता है वो उन्हें रोक लेता है कहकर कि वॉल्डेस और कॉर्नेलियस आए हुए हैं। ये सुन के वो दोनों बहुत टेरिफाइड हो जाते हैं क्योंकि उन सबको पता है कि वॉल्डेस और कॉर्नेलियस किस चीज़ में फेमस है। ऐसा दिखाया जाता है कि फॉस्टस अब एक स्पेल जो है इंचैंट कर रहे होते हैं ताकि वो एक ईविल स्पिरिट को बुला सकें, और वो एक ईविल स्पिरिट को बुला देते हैं जिसका नाम होता है मेफिस्टोफेलीस। लेकिन जो स्पिरिट होती है वो इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग होती है कि फॉस्टस उसे ऑर्डर देता है कि वो अपना थोड़ा लुक चेंज करके आए, यानी रिलीजियस मेंडिकेंट बनकर आए। उसके बाद फॉस्टस काफ़ी सारे सवाल करता है उससे और बाद में उसे भेज देता है लूसीफर के पास एक मैसेज के साथ कि वो रेडी है अपनी सोल एक्सचेंज करने के लिए। जब वो स्पिरिट डिपार्ट कर जाती है तो वो बोस्टफुल फील करता है, बहुत ही प्राउड फील करता है ये सोचकर कि उसके पास इतनी सारी अचीवमेंट्स ऑलरेडी हैं और अब वो क्या क्या अचीव करने वाला है। फिर एक सीन आता है जो कि कॉमिक रिलीफ के लिए है, जिसमें फॉस्टस का सर्वेंट एक क्लाउन को स्कोल्ड कर रहा होता है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो वो उसको स्पिरिट के हवाले कर देगा। इसके बाद वो गुड एंजल और बैड एंजल दोबारा फॉस्टस को विजिट करते हैं और वही बातें दोबारा बोलते हैं, फॉस्टस को समझाते हैं। लेकिन फॉस्टस ऑलरेडी बहुत इंक्लाइंड हो चुका होता है बैड थिंग्स की तरफ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक बार फिर वो उस मेफिस्टोफेलीस को समन करता है और मेफिस्टोफेलीस बताता है कि लूसीफर ने उसकी जो रिक्वेस्ट थी ग्रांट कर ली है, लेकिन उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा अपने खुद के ब्लड से। फॉस्टस अपनी आर्म कट करता है और अपने ब्लड से जैसे ही लिख रहा होता है, उसका ब्लड जो है जम जाता है। ये लॉर्ड की तरफ से एक इशारा था, एक सिग्नल था कि जो वो कर रहा है वो बहुत ही डेंजरस है, लेकिन वो फिर भी उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। उसकी डिज़ायर्स पूरी होने लगती है, पर एक टाइम ऐसा आता है जब फॉस्टस जो है अपने डिसीजन को रिग्रेट कर रहा होता है। उस पॉइंट पर वो गुड और बैड एंजल दोबारा विजिट करते हैं और उसे वही बातें बोलते हैं जो पहले बोली, लेकिन क्योंकि अब वो अपना डिसीजन रिग्रेट कर रहा है तो बैड एंजल उसे बोलती है कि वो किसी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ ना करे और उसकी तारीफ करती है, जिससे फॉस्टस प्राउड फील दोबारा करने लग जाता है। अचानक से लूसीफर अपीयर हो जाता है और वो उसे याद दिलाता है कि उसे क्राइस्ट को याद नहीं करना, वो अपना प्रॉमिस ब्रेक नहीं कर सकता। लेकिन उसको सूथ करने के लिए, उसकी जो टेरिफाइड हालत हो रखी थी उसे कम करने के लिए, वो एक उसके लिए प्ले अरेंज करता है जिसका नाम होता है 7 Deadly Sins, जिसका पहला सिन होता है प्राइड। कोरस अब फिर बताते हैं प्ले के बारे में कि फॉस्टस जो है काफ़ी अचीवमेंट्स उसने गेन कर ली हैं और अब वो फीस्ट में जाता है जो कि प्रिपेयर की जाती है सेंट पीटर के ऑनर में। फॉस्टस जब मेफिस्टोफेलीस के साथ रोम में होता है तो रोम की ब्यूटी को प्रेज कर रहा होता है, तो मेफिस्टोफेलीस उसे बोलता है कि उसे एक बार उस फीस्ट में जाना चाहिए जो कि सेंट पीटर के लिए है,
और वहाँ जाके वो बहुत सारे प्रैंक करते हैं लोगों पर और उन्हें डरा देते हैं। इसी बीच दो नए कैरेक्टर्स आते हैं जिनका नाम होता है रॉबिन एंड रॉल्फ। रॉबिन इज परफॉर्मिंग ब्लैक मैजिक एक स्पेल रीड करके और रॉल्फ को ये टेंशन पे नहीं करता। एक बार वो दोनों एक सिल्वर गॉबलेट चुरा लेते हैं वाइन सेलर से और वाइन सेलर से निपटने के लिए वो मेफिस्टोफिलीस को बुला लेते हैं। ये देखकर मेफिस्टोफिलीस बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाता है कि इतने पेटी काम के लिए उन्होंने मेफिस्टोफिलीस को बुलाया। इसीलिए मेफिस्टोफिलीस एक को एप और दूसरे को डॉग में कन्वर्ट कर देता है। फॉस्टस अब नजर आता है एम्परर के कोर्ट में, जहाँ पे एम्परर उसे कोई ट्रिक परफॉर्म करने के लिए बोलता है। वो अलेक्जेंडर के स्पिरिट को वापस ले आता है। ये देखकर एम्परर बहुत ही शॉक रह जाता है। फॉस्टस अब चिंता करने लग जाता है क्योंकि उसका एंड नियर आ रहा है। तभी वो एक ऐसे इंसान से मिलता है जो फॉस्टस के हॉर्स को खरीदना चाहता है। फॉस्टस उसे अपना हॉर्स दे देता है और बोलता है इसको कभी पानी में ना ले जाए, लेकिन वो ले जाता है और उसका हॉर्स डिसअपेयर हो जाता है। वो फॉस्टस पर चीटिंग का इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन जैसे ही वो फॉस्टस के लेग को पुल करता है उसका पूरा लेग बाहर आने लग जाता है और यह देख के वो डर जाता है। फॉस्टस का सर्वेंट उसे बताता है कि ड्यूक ऑफ वेनहोल उससे मिलना चाहता है। जब फॉस्टस ड्यूक के कोर्ट में पहुंच जाता है तो वहां पे वो ग्रेप्स का अरेंजमेंट करता है डचेस के लिए, क्योंकि उस समय ग्रेप्स आउट ऑफ सीजन होते हैं। ग्रेप्स देखकर डचेस बहुत ही एक्साइटेड हो जाती हैं और फॉस्टस को रिवॉर्ड देने का प्लान करती हैं। फॉस्टस का एंड अब नियर आ रहा है, लेकिन फॉस्टस जो है सेलिब्रेट कर रहा है। स्कॉलर्स की रिक्वेस्ट पे वो हेलेन ऑफ ट्रॉय को बैक टू लाइफ वापस से लाइफ में ले आता है और यह देख के स्कॉलर्स भी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। एक ओल्ड मैन फॉस्टस को बोलता है कि उसके पास अभी भी टाइम है, वो अभी भी रिपेंट कर सकता है लॉर्ड के सामने और लॉर्ड उसे फॉरगिव कर देगा। जब फॉस्टस अपने सिंस को अपने गुनाहों को याद करता है तो वो सुसाइड कमिट करने की सोचता है, लेकिन फिर वो ओल्ड मैन बोलता है कि वो अभी भी रिपेंट कर सकता है। मेफिस्टोफिलीस ये सब सुनकर फॉस्टस को बोलता है कि अगर उसने क्राइस्ट को याद किया तो वो उसकी बॉडी को फाड़ देगा। लेकिन फॉस्टस का कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाला था, उसका एंड बहुत ही नियर था। जैसे ही 12 बजते हैं क्लॉक में, डेविल आता है और उसकी बॉडी को फाड़ देता है और उसकी सोल को स्नैच कर लेता है, छीन लेता है, और उसकी सोल हमेशा हमेशा के लिए हेल में चली जाती है। आई होप आपको सब क्लियर होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। और ये वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं और उनकी प्लेलिस्ट भी अपने चैनल पर क्रिएट कर रखी है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।